मिटा सका कभी आसमां। प्रेम कहानियां ये है, प्रेम कहानियां ये जवान दिलों की है, धड़कने ये जवान दिलों की है दास्तां। ये है प्रेम कहानियां, ये वफा की सच्ची निशानियां। प्रेम कहानियां ये है, प्रेम कहानियां। पूरे मालवा में लूट मार मचा दो, कत्लेआम कर दो, जाओ लूट लो सब कुछ। सरासर जुल्म सरदार असलम कजिलबाश, तुम्हारी ये हिम्मत? असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, सब तुम्हारे लिए है। कनीस के गुस्ताखी मुआफ कीजिए हाकिम मालवा, मुझे इन जेवरों का लालच नहीं है। औरतों को जेवरों की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी रूह अब इस घटिया सौदे के लिए तैयार नहीं है। शलाका, हमने तुम्हें अपनी ख्वाबगाह में इसलिए नहीं बुलाया कि हम तुम्हें अपने बिस्तर पर सजाना चाहते हैं। फिर रात के अंधेरे में अपनी ख्वाबगाह में किसी कनीस को तलब करने का आखिर क्या मतलब है? नहीं, तुमने गलत समझा है शलाका। रात के अंधेरे में हमने इसलिए बुलाया है कि अंधेरे की आंखें नहीं होती, और ख्वाबगाह में इसलिए कि शाही ख्वाबगाहों की दीवारों के कान नहीं होते। शलाका, आप कोई राजदारी की बात करना चाहते हैं? अब सही बात तुम्हारी समझ में आने लगी है। हाँ, ऐसा कौन सा राज है जो आप सारी दुनिया से छुपाना और एक कनीस को बताना चाहते हैं? पहले राजदारी का वादा करो और इन जेवरात को कबूल करो। मुझे ना तो आपके किसी राज से गर्ज है और ना इन जेवरात की जरूरत, इसलिए मैं ना तो कोई वादा कर सकती हूँ और ना आपका तोहफा कबूल कर सकती हूँ। तुम्हारी बातों से नाफरमानी की बू आ रही है शलाका। नाफरमानी होती हो तो हो, कनीस तो सिर्फ अपने दिल का कहा मानती है। अधम खान का कहा टालने का मतलब मौत होता है। कनीस के दिल में जीने की आरजू कब की मर चुकी है। अजब बात है, ना तुम्हें इन जेवरात का शौक है ना ही मौत का खौफ। इसलिए कि इज्जत से जी तो ना सकी मगर इज्जत से मरना चाहती हूँ। यानी कि तुम मरना पसंद करोगी मगर हमारी बात नहीं मानोगी? हाँ, बात अगर मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगी। मानना तो बहरहाल तुम्हें है ही, और मानने से ज्यादा मनाना है।
किस बात के लिए किसको मनाना है? तुम्हें रूपमती को राजी करना है। आज के बाद हमारी ख्वाबगाह का दरवाजा उसके लिए हर रात खुला रहेगा। हाकिम मालवा, रूपमती रानी है, कोई मजबूर कनीज नहीं कि घोड़े की तरह उसकी लगाम को जहां चाहे मोड़ लिया। हम जानते हैं रूपमती रानी है, और ये हमारा वादा है कि हम उसे रानी की तरह ही रखेंगे। रानियां राज करती हैं, किसी जालिम सपाह सालार की गुलामी नहीं करती। शलाका, तुम एक कनीज की हद से आगे बढ़ रही हो, और आप इंसानियत के हद से नीचे गिर रहे हैं। हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। जबान खींच लेने से मजलूमों की पुकार दब नहीं जाती। खामोश गुस्ताख लोनी, चिल्लाइए मत, वरना वो गंदी ख्वाहिश जिसे आप राज रखना चाहते हैं, इस ख्वाबगाह की बहरी दीवारों से बाहर निकल जाएगी। निकल जाओ हमारे ख्वाबगाह से, वरना। मुझे आपका ये हुक्म खुशी खुशी मंजूर है। दम घुट रहा था मेरा यहाँ। खुदा हाफिज। लानत है तुम पर आदम खान, लानत है। बाज बहादुर से जीत कर मगर एक लौंडी से हार गए, एक लौंडी से हार गए, एक लौंडी से हार गए। क्या हो गया इन्हें? ईश्वर की कृपा है कि उसने तुम्हें यहां समय पर भेज दिया। यदि कुछ और विलंब हो जाता तो इनके प्राणों को बचा पाना कठिन था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने इस जंगल में मदद की, इस कुटिया में पनाह दी। यहां पर जंगली जानवरों का भी डर नहीं रहा। जानवरों से कैसा डर? इस धरती पर सबसे भयानक प्राणी तो मनुष्य होता है। सच कह रहे हैं आप, इस जमीन पर आदमी ही आदमी को डस देता है। इन्हें ही देख लीजिए, ये भी तो आदमी के मारे हुए हैं। ये कौन है, तुमने कुछ बताया नहीं? बताने के लिए कुछ रह गया हो तो बताओ ना, सब कुछ तो लुट गया है इनका। तुम इनके मित्र हो? हाँ। और बड़ी कठिनाइयों से इन्हें बचाकर यहां लाए हो? हाँ बाबा। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इनका सब कुछ लुट चुका है? अरे, जिनको बुरे समय में सच्चा मित्र मिला हो वो लुटकर भी धनवान होता है। वैसे मालवा में इनसे बड़ा धनवान कोई न था। अच्छा, पर वो धनी क्या जिसे लुट जाने का भय हो? सच्चा धन तो त्याग, तपस्या और प्रेम होता है। प्रेम का रूप तो रानी रूपमती थी, जिसने मुझे भाई बनाया, और इन्हें
इन्हें इतना प्यार दिया कि इन्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रही। तुम रानी रूपमती की बात कर रहे हो? हाँ बाबा। ओह, अर्थात ये महाशय सुल्तान बाज बहादुर हैं। हाँ। और तुम सेनापति दिलेर खान? हाँ बाबा, मैं ही दिलेर खान। तुम्हारी मित्रता की चर्चा सुनी थी, आज देख भी लिया। ईश्वर की कृपा से इस धरती से मानवता की अर्थी अभी उठी नहीं है। शलाका, तुम क्या हुआ, क्या बात है? सुल्तान के बाद अब जो हो कम है। शरीफ और इज्जतदार लोगों के रहने के लिए मालवा में अब कोई जगह बाकी नहीं रह गई है। इज्जत और आदर औरत को अपने पति के होते हुए मिलती है। सच कह रही हैं आप। शादी से पहले बेटी की इज्जत की रखवाली उसका पिता करता है और शादी के बाद उसका पति। इस दुनिया में आकर पति या पिता के बिना तन्हा और इज्जत से जीना औरत के लिए बहुत मुश्किल है। मर्दों की इस दुनिया में औरत बनकर पैदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से पैदा हो भी जाए तो मर जाना चाहिए। इसके बावजूद औरत जिंदा रहती है, मजबूर होकर जिंदा रहती है, समझौता कर लेती है अपनी जिंदगी से, मर्दों के हाथों सौदा कर लेती है अपनी इज्जत आबरू का। शलाका, क्या बात है, आज अचानक मर्दों के खिलाफ ये लावा कहाँ से फूट पड़ा? हा? नागिन भी उस वक्त अचानक दस लेती है जब उसकी तुम पर कोई अचानक पैर रख देता है। कौन है, कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाई है? मालवा पर अब हमारा राज नहीं रहा, मगर अभी इतनी इज्जत बाकी है कि कोई हमारे ख्वास पर बुरी नजर तक नहीं डाल सकता। भ्रम है ये आपका। वो जैसी मामूली कनीज पर कोई क्या बुरी नजर डालेगा, वो कमीना तो। हाँ शलाका, बताओ बताओ, किस कमीने ने किसके साथ ऐसी हरकत की है, बताओ मुझे। जाने दीजिए रानी साहिबा, आप सुनेंगी तो दुख पहुंचेगा आपको। शलाका, तुम मुझे उस बदनियत शख्स का नाम बताओ, नाम बताओ मुझे। अधम खान। अधम खान? हाँ। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है जिस पर उसने पूरी नजर डाली? वो बदकिस्मत लड़की आप है रानी साहिबा, आप। सरदार असदुल्लाह कसिलबाश। जी हुजूर। ये अधम खान की मौत का परवाना है। मौत का परवाना? हाँ, जिले राय के नाम इस खत में न सिर्फ मालवा की जंग और फतह की रुदाद है, बल्कि अधम खान की मनमानियों की कहानियां भी हैं। ख्याल रहे, तुम हमारे खुसूसी एलची हो और ये खत तुम्हें सिर्फ जिले सुभानी के हाथों में ही पहुंचाना है। आप फिक्र ना करें, हुक्म के मुताबिक ही तामील होगी। एक बात और याद रहे, ये खबर तुम्हें जिले सुभानी को ऐन उस वक्त सुनानी है जब वो मालवा की फतह का जश्न मना रहे होंगे। लेकिन जहां पनाह की खुशियों पर यूं पानी फेर देना मुनासिब होगा, क्या वो नाराज नहीं होंगे? यही तो मैं चाहता हूँ। वो अगर नाराज होंगे तो अधम खान पर होंगे, अगर नुकसान होगा तो अधम खान का होगा, और अधम खान के नुकसान में ही हमारा फायदा है। मुझे मेरा हक मिल जाएगा जिस पर बरसों से अधम खान ने कब्जा किया हुआ है, और तुम्हें इंसाफ। हाँ हुजूरे वाला, मजलूमों की आहें बेकार नहीं जाती।
जहांपनाह, मालवा की फतेह की इस खुशी के मौके पर शाही खजाने का मुंह खोल दिया गया है, मगर क्या एक मां का दामन खाली ही रहेगा? मादरे मोहतरम, अगर मांगना ही है तो आसमान को झोली बनाकर मांगिए, क्या आपका आंचल छोटा ना पड़ जाए। अपने लिए या अपने बेटे के लिए जो भी मांगोगी अता किया जाएगा। जिल्ले इलाही, मालवा को अधम खान ने फतेह किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ उसे मालवा का सूबेदार बनाया जाए। बेशक बेशक। नहीं नहीं, जिल्ले इलाही ऐसा गजब ना करना। मालवा की बागडोर किसी जालिम के हाथ में नहीं दी जा सकती। कौन है ये गुस्ताख बेअदब जो जिल्ले इलाही के रूबरू सालार आजम की शान में गुस्ताखी कर रहा है? गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को। फरियादी को गिरफ्तार करना मुगलिया हुकूमत का दस्तूर नहीं है। तो तुम फरियादी हो? मैं असदुल्ला कजलबाश, एक एलची की हैसियत से मुल्ला पीर मोहम्मद का ये खत लाया हूं, और एक मजलूम बाप की हैसियत से फरियाद सुनाने आया हूं। जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, बयान करो। जिल्ले इलाही, आप इस बहरूपिये की बातों में मत आइए। इसकी दाद फरियाद किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। नहीं मादरे मोहतरम, हमें फरियादी की बातों से सच्चाई की महक आ रही है। मालवा की फतेह के बाद सालार आजम अधम खान ने मुगलिया फौज को लूटमार का हुक्म दे दिया था। लूटमार का हुक्म? हाँ, जिसके बाद फौजियों ने बदतमीजी का तूफान बरपा कर दिया। मालो जर के साथ औरतों की आबरू भी लूटी गई। नहीं, क्या हमारी फौज में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता? बहुत थे, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल था। उसी की पादाश में उसका सर उड़ा दिया गया। जिल्ले इलाही, मैं अपने उस नौजवान बेटे की लाश को अपने हाथों से दफना कर आ रहा हूं। क्या तुम्हारे फौजी बेटे का सर अधम खान ने उड़ाया था? नहीं। जिल्ले इलाही, आपने देख लिया कि मालवा में जो कुछ भी हुआ वो बेलगाम फौजियों की हरकत थी, इसमें अधम खान का क्या कसूर? उस बेलगाम मुगल फौजी दस्ते की लगाम किसके हाथ में थी? सरदार हमीदुल्ला बेग की कमान में दवाई मचाई गई। मेरे बेटे का सर भी हमीदुल्ला ने उड़ाया था। जुल्म हालांकि हमीदुल्लाह ने किए हैं, मगर हुक्म अधम खान ने दिया था, लिहाजा दोनों मुजरिम हैं। और इंसाफ का तकाजा यह है कि उन दोनों को सरेआम कत्ल कर दिया जाए। रहम, रहम जिल्ले इलाही, रहम कीजिए जिल्ले इलाही, रहम कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंचल में मेरे बच्चे की जिंदगी डाल दीजिए।
ये आंचल छोटा ही सही, मगर एक माँ का दामन इतना छोटा भी नहीं होता कि उसमें अपने बच्चे की जिंदगी ना समा सके। एक तरफ एक बाप फरियाद कर रहा है जिसने अपना बेटा खोया है, और दूसरी तरफ एक माँ की फरियाद है जो अपना बेटा खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए, आपको मेरे दूध का वास्ता। इंसाफ की राह में दूध तो क्या, खून के रिश्ते भी काम नहीं आते। खुदा रहा, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हमीदुल्ला का गुनाह हरगिज माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद इस गुनाह में शरीक था। लेकिन अदहम खान को तो माफ किया जा सकता है, वो तो इस गुनाह में शामिल नहीं था। इस बिना पर अदहम खान को हम अगर माफ कर भी दें तो दुनिया यही कहेगी कि हमने उसे सिर्फ इसलिए माफ किया कि वो हमारा भाई था। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो और कौन माफ करेगा उस नादान को? ये है प्रेम।